अपराधी अपराध कर फरार तो हो जाते हैं, लेकिन सबूतों की गंध अपने पीछे छोड़ देते हैं, जिसे सूंघते हुए पुलिस का पंजा अपराधियों के गिरेबान तक पहुंच जाता है। वो कितने ही शातिर और चालाक क्यों न बनने की कोशिश करें, लेकिन जल्द ही पुलिस गिरफ्त में आ जाते हैं। और अगर पुलिस जरा सी भी तेज तर्रारी दिखाती है तो मजाल है अपराधियों की कि शहर में अपराध करने की भी सोचें। कैमूर पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। 3 लुटेरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 24 अगस्त को स्वर्ण व्यवसायी से की थी लूट। लुटेरों से 8,000 रुपए और एक बैग बरामद। गिरफ्तार अपराधी कई केस में हैं आरोपी। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये तीनों शख्स बेहद शातिर लुटेरे हैं। इन लुटेरों पर कई थानों में लूट के मामले दर्ज हैं। ये वही लुटेरे हैं जिन्होंने पिछले 24 अगस्त को चांद थाना इलाके के गेहुआ गांव के पास स्वर्ण व्यवसायी से लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें व्यवसायी से 3 किलो सोना, 10,000 रुपये और एक मोबाइल लूट लिया था। गिरफ्तार लुटेरों के पास से 8,000 रुपए और एक बैग बरामद हुआ है। लौट रहा था दुकान से, तो 3 लोगों ने इसको रोक करके इसका जो कहना है उसको लूट लिया, साथ में कुछ पैसे को भी लूट लिया, मोबाइल इसका लूटा गया था। इस क्रम में जो चांद थाना के थाना अध्यक्ष हैं उनके द्वारा छापेमारी लगातार की जा रही थी और उनके द्वारा 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। एक इसमें दल्लू बिंद है जो कि दारुलपुर चांद का ही रहने वाला है। ये पहले बक्सर जेल में 4 साल तक लगभग बंद रहा है। और एक विजय थापा है जो नेपाल का रहने वाला है, यह भी बक्सर सेंट्रल जेल में 8 साल बंद रहा है 394 के मामले में। छोटू बिंद जो लाइनर था जो गिरफ्तार हुआ है, यह मोटरसाइकिल मिस्त्री है जो गिरफ्तारी के बाद जो रिकवरी हुई है, एक बैग मिला है जिसमें गहना था, रखा गया था ले जाते समय, बैग खाली है। इन्होंने अपने सारे गहने को कलकत्ता में ले जाकर के गोरे बाजार में बेच दिया। 80 ग्राम सोना को जब इसने गलाया तो लगभग 40 ग्राम हुआ। गिरफ्तार अपराधियों में दल्लू बिंद और नेपाल का विजय थापा शामिल है, जो बक्सर की जेल में 4 साल और 8 साल की सजा काट चुका है। फिलहाल 2 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। गुनाह के लिए कैमूर से देवव्रत तिवारी की रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।